कोटा में कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश, मानो जैसे इंद्रदेव भी कोटा बूंदी के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अभिनंदन को आतुर हों। शहर के भामाशाह मंडी में कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन और शहर के करीब 250 संस्थाओं की ओर से लोकसभा अध्यक्ष का नागरिक अभिनंदन किया गया। भामाशाह मंडी के प्रवेश द्वार से कार्यक्रम स्थल तक लोकसभा अध्यक्ष को बग्गी में बिठा कर लाया गया। आपका बहुत प्यार से आशीर्वाद रहा है। इस धरती पे जन्मा, शिक्षा, संस्कार और कर्म भूमि मेरी रही है। जो कुछ भी, जहां पर भी पहुंचा हूं, इस कोटा की धरती का प्यार स्नेह आशीर्वाद बरसों तक रहा है। मैं दिल्ली के लोकसभा में बैठकर तो या देश के और हिस्सों में तो मैं लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता हूं, लेकिन कोटा की धरती का तो बेटा हूं और भाई हूं, यही मेरा व्यवहार है। इस मौके पर मौजूद हर शख्स खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बुजुर्ग। कोटा बूंदी के नागरिकों को इस बात पर भी गर्व है कि उनके लोकप्रिय सांसद आज न सिर्फ उनके ही सांसद हैं, बल्कि वो देश के लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के नाते कोटा के सपूत ओम बिरला ने संसद के इतिहास में प्रथम सत्र में सर्वाधिक कार्य करने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया है। बहरहाल संपूर्ण कोटा के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का जिस तरह से अभिनंदन किया गया है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ की जनता अपने सांसद और लोकसभा अध्यक्ष को कितना प्यार करती है। और यही वो स्नेह, भरोसा, विश्वास, ताकत और संस्कार हैं जिसके बलबूते लोकसभा अध्यक्ष आज संसद का बखूबी संचालन कर रहे हैं।